और क्या आपने कभी लड़की को लड़के के घर बारात लेकर आते देखा है? क्या आपने लड़की को अपनी उसी बारात में जमकर ठुमके लगाते हुए देखा है, या फिर आपने महिला पुरोहितों को शादी करवाते देखा है? अगर आपके पास तीनों सवालों के जवाब नहीं में है तो आप हमारे इस रिपोर्ट को देखें। जी हाँ, एक महिला पुरोहित शादी करवा रही है और ये लड़की अपनी बारात लेकर लड़के को ब्याहने आ रही है। और जरा इस सीन को देखिए, अपनी बारात में लड़की जमकर डांस कर रही है। ये अनोखी शादी है, ऐसी शादियां आसानी से देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये देखिए जमशेदपुर में। मैंने अपनी शादी में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए। मैं एक समाज सेवी हूँ और इसलिए मैंने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट, इक्विटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया है। मेरी शादी में मैंने कन्यादान नहीं करवाया, मेरी शादी महिला पुरोहित द्वारा की गई। मैंने अपनी शादी में घूंघट भी नहीं पहना था और मैंने अपने हस्बैंड का गृह प्रवेश कराया। ये शादी सरायकेला के बिजनेसमैन आनंद शर्मा और डॉक्टर मंजू शर्मा की बेटी की थी। दोनों सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाली शादी चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारे मिथकों को तोड़कर ऐसी अनोखी शादी की। मैंने अपनी बारात खुद ही निकाली। ये सारी चीजें करने के पीछे का आइडिया ये था कि मैं समाज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम महिलाएं सिर्फ लज्जा का प्रतीक ना बने, हमें भी खुल के जीने की आज़ादी है। मैं हम सभी इक्वल अपॉर्चुनिटी के हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और खुल के जीने की सभी को आज़ादी है। निसंदेह ये शादी काबिले तारीफ थी, अनोखी भी थी और अनुकरणीय भी थी। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।